हरियाणा सरकार द्वारा 1 फरवरी से चलाई गई अमृत योजना के तहत भिवानी के जिन क्षेत्रों में पानी और सीवर की लाइन क्षतिग्रस्त है उनकी पहले मरम्मत की जाएगी और अगर उस क्षेत्र में नई पाइपलाइन की आवश्यकता है तो वहां नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। ये कहना है भिवानी नगर परिषद प्रधान रण सिंह यादव का। हाँ जैसे हमने पूरे डाबड़ कॉलोनी उत्तम नगर जो अमृत के योजना के तहत जो सीवर और पानी की लाइनें डाली जा रही थी उनका इंस्पेक्शन किया है और जो डी प्लान के तहत जो हमारी नगर परिषद की तरफ से डी प्लान की जो प्लानिंग से जो कार्य हो रहे थे गलियों का कार्य उनका निरीक्षण किया है। लगभग मेरे को सभी जगह अच्छा मटेरियल मिला है, कोई कमी महसूस नहीं हो रही। कुछ एक छोटी मोटी कमियाँ हैं जो इनको कनेक्शन में सीवर के कनेक्शन की उनके लिए भी हमने ठेकेदारों को अभी मैं उनकी क्लास लेने वाला हूँ और उसके बाद उनको सभी को दिशा निर्देश दे देंगे कि कनेक्शन अच्छे से जोड़ के जाएं और इसके बाद पब्लिक हेल्थ से रिक्वेस्ट करके हम पूरी इसकी डीसिल्टिंग करा देंगे ताकि लोगों को कभी भी आगे भविष्य में समस्या नहीं होगी सीवर की और पानी की। नगर परिषद की तरफ से लगभग 60 करोड़ की तो शहर के अंदर काम हो चुके और डी प्लान के अंदर भी हमने 2 करोड़ की लागत से डी प्लान के तहत से ये जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं इनमें कार्य करवाने जा रहे हैं जो कि लगभग अभी कंप्लीट होने में उनको 2 महीने और लग जाएंगे। 2 महीने के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सारे काम खत्म कर देंगे। एक दो दिन में आचार संहिता लगने वाली है तो मानते हो कि जो आपकी विकास की रफ्तार है? आचार संहिता से हमारे विकास की रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आचार संहिता में नया कार्य नहीं करेंगे लेकिन हम जो पुराने कार्य जोड़े हुए हैं वो उन कार्यों का काम शुरू करवा रखा है और वो पूरे 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। आचार संहिता से हमारे ऊपर नगर परिषद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।